हेलो फ्रेंड्स, सभी जगह एक ही बात हो रही है, 2019 आ रहा है और किसकी सरकार बनेगी, बस यही चर्चा है। ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हर चुनावों को मोदी जी की अग्नि परीक्षा ही कहा जाता है और वो हर चुनाव में पास होते आए हैं और कर्नाटक में भी पास हुए, लेकिन उन्हें फेल कर दिया गया। खैर छोड़िए इन बातों को, यदि यही अग्नि परीक्षा पहले की सरकारों में होती तो कुछ बात ही अलग होती। छोड़िए, पर आपसे एक सवाल है, क्या आप देशभक्त हैं? और हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगे कि हाँ ये सवाल सच है और सोचने पर आपको मजबूर करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ सवाल हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं कि नेहरू और गांधी को अंग्रेजों ने कभी भी एक लाठी क्यों नहीं मारी? यह बहुत बड़ा सवाल है। मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई, तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, रानी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों ने घेर कर मारा, भगत सिंह को फांसी, सुखदेव को फांसी, राजगुरु को फांसी, चंद्रशेखर आजाद का एनकाउंटर के द्वारा पुलिस ने मार दिया, और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ हम सभी को पता है, उन्हें गायब करा दिया। भगवती चरण बोहरा जी को बम विस्फोट में मृत्यु प्राप्त हुई, राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी फांसी दे दी गई, और अशफाकुल्ला खां के साथ क्या हुआ उन्हें भी फांसी दे दी गई, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई, लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई। पर इन्हीं लाठी चार्ज में नेहरू और गांधी भी हुआ करते थे, जिन्हें कभी एक लाठी भी नहीं पड़ी। चाफेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई, मास्टर सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। ये तो कुछ ही नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, परंतु नेहरू और गांधी को कभी किसी ने एक लाठी भी नहीं मारी। आप सोचिए और बताइए कि आखिर कौन से कवच कुंडल इनको मिले हैं कि इन्हें कभी एक लाठी भी नहीं मिली, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इन्हें फांसी तो छोड़ो, कुछ सजा तो छोड़ो, एक शब्द भी उन्हें नहीं कहा, और ऊपर से ये पूरे भारत देश के बापू और चाचा बन गए और इनकी पीढ़ियां हमारे ऊपर और पूरे देश के ऊपर अपना पेटेंट समझती। थैंक यू दोस्तों, मेरा नारा है देश को बचाना है, मोदी जी को फिर से लाना है। जय हिंद, जय भारत।